चलेगा। तो अलग ही लग रही है यार। सो इस बाइक का फर्स्ट सर्विस हो चुका है और अभी फर्स्ट सर्विस के बाद इसका नंबर प्लेट आया है, पता नहीं क्यों, कुछ तो मतलब इशू था, आरटीओ से नंबर प्लेट्स नहीं आ रहे थे जल्दी कल्याण एरिया में, इसीलिए टाइम लग गया इसको। सिटी में बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा यार इसको। नाइस, कंपेयर्ड टू CBR ये तो काफ़ी अलग बाइक है, सीटिंग पोजीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नाइस, थर्ड गियर आराम से चढ़ रही है, कोई टेंशन नहीं। आज थोड़ा ट्रैफिक भी है तो इसका हीट का भी टेस्ट हो जाएगा। मैं इसके फर्स्ट सर्विस के लिए ही रुका हुआ था क्योंकि यार फर्स्ट सर्विस पे कुछ भी करने का मतलब नहीं होता है टेस्ट, बाकी तो भाई कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। इसका क्लच थोड़ा हैवी है, एक मीडियम हैवी, मैंने इससे पहले मैंने पल्सर भी चलाई है 150 वाली, एंड पल्सर 150s जो होती हैं वो उनका क्लच काफ़ी हार्ड लगता है मुझे कंपैरेटिवली। CBR का मस्त है उस हिसाब से, CBR का बहुत हल्का है, CBR का क्लोज टू स्लीपर क्लच वाला फीलिंग है, क्लोज बट स्लीपर क्लच इज़ अमेजिंग। अरे ओवरटेक का तो टेंशन ही नहीं है इस पर यार, स्वीट, वेरी स्वीट। मिरर्स बहुत सही है यार इसके, पूरी दुनिया दिख रही है पीछे मतलब मेरे पीछे कौन चला रहा है वो भी दिख रहा है और उस वाले लेन में कौन आया वो भी दिख रहा है, मतलब इस अपोजिट लेन वाले भी दिख रहे हैं उसमें, तो बहुत सही। काश ये सब मैट में होता है यार, स्ट्रीट क्यों बंद कर दी इन लोगों ने अभी तक समझा नहीं। उफ उफ, इसका हवा भी एक बार चेक करवाना है, काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। सुपर इजी मैन, दिस बाइक इज़ सुपर इजी टू यूज़। देखा सेकंड क्लच, हाफ क्लच पर आराम से, थर्ड गियर, कोई टेंशन ही नहीं गाड़ी को। एक्चुअली इस पर भी छपरी गिरी कर सकते हैं लोग, बहुत स्मूथ है यार गाड़ी, मतलब मैं अभी CBR चला कर इस पर बैठ रहा हूँ, बहुत स्मूथ है। इफ़ नॉट एज स्मूथ एज होंडा, 95% होंडा। पावर तो बहुत अट्रैक्टिवल है इसका, मतलब थोड़ा सा भी दिया, अरे 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 छपरी भैया रुक जाओ। नाइस, ब्रेक्स आर टू गुड, फ्रंट तो बहुत सही है, हाँ डाइव इन हो रही है बाइक बट फ्रंट इज़ टू गुड मैन, एटलीस्ट फॉर क्रूजर परस्पेक्टिव, मतलब फ्रॉम क्रूजर परस्पेक्टिव इट्स वेरी गुड। इसका थ्रॉटल बहुत लाइट है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे लिटरली राइड बाय वायर है गाड़ी बहुत बहुत लाइट है यार, सीरियसली सुपर्ब है, सुपर्ब, मज़ा आ गया। कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे लग रहा है एकदम फेक, मतलब सिर्फ ये दिया है किसी ने और वायर है ही नहीं उसमें कनेक्टेड, एकदम राइड बाय वायर वाली फीलिंग। सेकंड गियर, हाफ क्लच, टुकु 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 टुकु, हाँ इजीली चल रही है, टुकु 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 कर रही है, नॉक नहीं हो रही है। एक्चुअली लो रेव्स में थोड़ा वाइब्रेशन फील होता है लेकिन एक बार इंजन एक स्पेसिफिक RPM पे आ जाता है उसके बाद फिर स्मूथ हो जाती है गाड़ी एकदम। ओ मैन, CBR 250, माय फेवरेट बेबी। तो अभी बजाज में आए थे, वहाँ पे उसने बोला कि हम लोग HSRP नंबर प्लेट्स नहीं लगाते, तो एक रॉयल एनफील्ड का यहाँ पे डीलरशिप है किस्मत से बाजू में, उससे मैंने बात की तो वो बोल रहे कि वो लगा कर दे देगा नंबर प्लेट्स। सो थैंक यू रॉयल एनफील्ड, थैंक यू वेरी मच, आपने वो कर दिया जो बजाज नहीं कर पा रहा यहाँ पे, स्पेशली इन उल्लासनगर और कल्याण एरिया में। बजाज का जो कांचन शोरूम था वो बंद हो चुका है और उसकी वजह से हम जैसे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑल राइट, सो नंबर प्लेट लगा लिया विथ फ्रेम, क्योंकि RTO से जो नंबर प्लेट्स आते हैं वो शिट क्वालिटी के होते हैं और वो किसी काम के नहीं होते।
ये काफी अच्छा है इसका ये। तो अब चलते हैं, थोड़ा धीरे धीरे निकलते हैं आगे की तरफ, घर की तरफ। ओह मैन, बहुत सही है यार इसका ये। उफ, शकलाका बूम बूम। धीरे धीरे निकलते हैं। बहुत सही है यार, बहुत अट्रैक्टेबल है इसकी इंजन। मतलब जितना आपको सर दर्द रहा होगा ना, सब ठीक हो जाएगा ये चलाने के बाद। बहुत अच्छा है यार इसका पावर डिलीवरी 220 का। 160 तो मैंने कभी चलाई नहीं है तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा पैसा इसमें डालना वॉज वर्थ इट। ओहो, नई नई FZ V3। फन फैक्ट, जिस बंदे ने ये 220 ली है सबसे पहले उसको यही अच्छी लगी थी FZ V3। बट वही फिर हम लोगों ने सोचा ले रहे हैं तो फ्यूचर प्रूफ थोड़ा ले लेते हैं यार। प्लस ये FZ V3 पीछे से बहुत छोटी दिखती है यार, पता नहीं क्यों। इसके हवा का प्रेशर भी चेक करना था एक बार। इसका पूरा कॉकपिट ही अलग है यार। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि हाइट वाले लोगों के लिए इसका कॉकपिट बहुत नीचे है, मतलब स्पीडोमीटर वगैरह बहुत नीचे है। CBR का भी नीचे है, बट क्योंकि आप स्पोर्ट्स स्टैंड में आप बैठते हो ना, तो आप अपने आप ऐसे झुक जाते हो नीचे की तरफ। इसमें ऐसा नहीं है, बस वही है कि इतना ज़्यादा अट्रैक्टिवल है कि आप अगर थोड़ा सा भी आपने अगर गलती से ज़्यादा दे दिया थ्रॉटल, सीधा हाथ में आ जाएगा सब कुछ। पीछे के ब्रेक्स भी इसके कुछ खास नहीं है यार, ड्रम ब्रेक्स। फ्रंट बहुत अच्छा है, बट वही फ्रंट में आप पूरा ट्रैफिक में तो आप यूज़ करोगे नहीं। वाह वाह वाह, लाइक ऐसी गाड़ी चाहिए उल्लासनगर के ख़राब रोड्स में चलाने के लिए, जिसके सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट हो। भाई देख क्या जा रही है भाई, 40-50 ऐसे ही। सिटी में क्या करेगा इंसान इतने पावर का। एंड ब्रेक्स आर टू गुड, ब्रेक्स आर दैट बाइट, यू नो बाइट बहुत अच्छा है ब्रेक्स का। एकदम RTR वाला फीलिंग है इसका ब्रेक्स का, फ्रंट का। बट वही बहुत स्पॉन्जी है, लेकिन इतने सॉफ्ट है ना इसके ब्रेक्स कि क्या बोले। दबाने में सॉफ्ट हैं, बट जब लगते हैं तो हार्ड लगते हैं। दिस इज़ वेरी ऑकवर्ड कॉम्बिनेशन। इतना फ्री है ना गाड़ी रोलिंग रेजिस्टेंस इसका, इंजन ब्रेकिंग इज नन, नॉन एग्जिस्टेंट मैन। मज़ेदार है लेकिन, कुछ हटके है ये गाड़ी। बहुत सही है यार इसका ये, मस्त। हॉर्न फुद्दू है, मतलब CBR का भी ऐसे ही फुद्दू है। 150 का, भाई 60, व्हाट द हेल, 60 का हो गया यार ये गाड़ी। ओके, मेरे लिए बहुत दूर है प्लेस। बाकी तो यार कंफर्ट तो एक नंबर है, जानदार कंफर्ट है गाड़ी का। थोड़ा मेरे को लगता है इसका चेन देख लेना चाहिए फिर भी एक बार, चेन का स्लैक वगैरह। फिर भूल गया मैं इंडिकेटर बंद करना। सही है, एक्चुअली इंडिया में इंजन ब्रेकिंग वाली गाड़ियाँ अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ोगे सीधा गाड़ी अंदर घुस जाती है। ऐसे लगता है कि किसने ब्रेक दबा दिया यार, और इंडिया के ट्रैफिक कंडीशंस में ऐसे बिल्कुल भी सेफ नहीं होता ऐसी गाड़ियाँ। ओके, हवा बहुत ज़्यादा है गाड़ी में भाई। चढ़ान पे ऐसा पावर है गाड़ी का, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत हाई रेव कर रहा हूँ, लाइक आई एम लाइक 30-40% थ्रॉटल। थर्ड गियर आराम से चल रही है, कोई टेंशन नहीं। ये गाड़ी का मिरर्स इतना बाहर है ना, ऐसे लग रहा है बस सब इसको यहाँ के ठोकने वाले। सेकंड गियर पे 16 की स्पीड पे चढ़ान चढ़ रहे हम लोग धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं गाड़ी को। हाफ क्लच दिया हुआ है, डिगी 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 डिगी, मस्त एकदम, जीरो एफर्ट्स।
और क्योंकि इंजन ब्रेकिंग नॉन एग्जिस्टेंट है लगभग, तो छोड़ने के बाद गाड़ी ऐसा जर्क भी नहीं करती आगे ज़्यादा। सही है, मैनेजेबल है, वेरी मैनेजेबल। बट आई स्टिल रिकमेंड ऐसे टाइप की गाड़ियों को यार मत चलाओ सिटी में। आज तो मजबूरी है इसलिए चलाई जा रही है, वरना ये मोस्टली राइड्स पे ही जाएगी। खुद ही जा रही है 28 की स्पीड से, थ्रॉटल भी नहीं दे रहा मैं तो। चौथा गियर डाल दिया, टुकु 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 करके चल रही है मस्त। बहुत सही है यार, कंपोज्ड है एकदम। सेकंड गियर विदाउट क्लच,